वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। जैसे कि आज के व्लॉग में ना हम जाने वाले हैं माहिम दरगाह, फिर माहिम दरगाह से हम जाएंगे माहिम का मेला जो कि लगा हुआ है। तो आज का व्लॉग में बस यही है कि माहिम दरगाह जाना है और मेला जाना है, तो हम थोड़ा सा करेंगे मेकअप, एकदम लाइट मेकअप करना है। ऐसा नहीं कि लाइट मेकअप करके मैं डार्क करूँगी, लाइट ही मेकअप करूँगी मैं। तो इस व्लॉग में सिर्फ मेकअप दिखेगा और माहिम के मेले में मतलब हम लोग जा रहे हैं वो सब दिखाऊंगी, तो आप फुल व्लॉग देखते रहना। गाइस हमने लेंस तो लगा लिए, बहुत ज़्यादा जल्दी मेकअप करना है क्योंकि ना टाइम हो गए हैं, 6:10 बाकी है और हमें 6:30 इधर से निकलना है। तो लेंस मैंने लगाई और फटफट अभी मैं मॉइस्चराइजर यूज़ सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र। वैसे तो मेरी ऑयली स्किन है बट अभी कैसे ठंडी के टाइम पे ना मेरी स्किन हो गई है, ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो इसीलिए मैं सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। क्रीम मॉइस्चराइज़र है ये, वैसे तो मैं पॉन्ड्स का लगाती हूँ, इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी। फास्ट यूज स्विस ब्यूटी की स्ट्रोक क्रीम, दो से 1-2 पम्प लेंगे इसको भी अच्छे से। मैंने लियो अभी क्रैलॉन की पैलेट, ये जो ऑरेंज करेक्टर है, अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो आप रेड कलर की लिपस्टिक या फिर ऑरेंज कलर की लिपस्टिक भी लगा सकते हो। तो एक बार ये, एक बार मेरा एक व्लॉग आया था, उसके पीछे वाले व्लॉग आई थिंक, तो उसमें मैंने ना ब्लश से मैंने हाइड की थी डार्क सर्कल्स को। तो कोई भी चीज़ से मतलब जैसे रेड आपके पास ज़रूरी नहीं करेक्टर ही होना चाहिए, नहीं है इट्स ओके, करना आना चाहिए मेकअप आपको, पूरा अंदर से कर थोड़ा सा ऑरेंज दिखना चाहिए क्योंकि जब भी तो हमारे डार्क सर्कल्स कवर हुए हैं। इसमें भी मेरे शेड का है ये वाला जो पैलेट है, इसका नाम है FS28, तो ये भी लगा सकते हैं। ये जा तो रहा है मेरे फेस पे, तो यही लगाएंगे आज हम, इसमें से ही फाउंडेशन या ये करेक्टर कंसीलर का भी काम करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो अब हम इसका एज अ फाउंडेशन करके लगाएं हमारे फुल फेस पे। ले ली ब्लेंडर, ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट करी हूँ मैंने, बहुत अच्छा शेड भी है ये और एक क्रैलॉन की पैलेट भी बहुत अच्छी है, एकदम अच्छी कवरेज हो जाती है और मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। फाउंडेशन हो गया हमारा डन, तो हम ना अभी कॉन्टोर करेंगे नोज पे, एंड इधर मैंने चिक पे कर ली थी, भूल गई थी बताना क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। उसको अच्छे से हम ये साइड हम ब्लाइंड कर, ये साइड हम लगाते हैं ना कॉन्टोर, तो इसे ना ऐसा नीचे साइड ब्लाइंड करना चाहिए, जैसे कि मेरी चीन बहुत हो गई है। फुल फेस पे मैंने क्रायलॉन की ही पैलेट से मैंने FS28 ही शेड लगाई हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने दूसरा फाउंडेशन मिक्स करके लगाई हूँ। बहुत अच्छा फाउंडेशन है एज अ कंसीलर, आप एक भी पैलेट ले लोगे ना, जैसे कि एक ये सिंगल पैलेट FS28 की सिंगल, जैसे आपके शेड के ऊपर जाती है, अगर आपकी मेरी जैसी स्किन है तो आप FS28 लगा सकते हो। तो मैंने फुल फेस पे वही शेड लगाई हो, कंसीलर लगाने की भी नीड नहीं लग रही है मुझे, तो एकदम डार्क सर्कल्स वगैरह भी कवर हो चुके। अब हम सिर्फ पाउडर से कवर करेंगे और आई शेड एंड लिपस्टिक करके और ब्लशर करके डन कर देंगे। अब हम लगाएंगे पाउडर पफ से, और अभी कैसे ठंडी का टाइम है तो ज़्यादा पाउडर नहीं लगाएंगे, एकदम कम, ताकि मेकअप बेस जो है हमारा वो सेट हो जाए, क्योंकि ठंडी में पाउडर लगाने की ज़्यादा नीड नहीं रहती क्योंकि ऑलरेडी स्किन ड्राई ही रहती है। फेवरेट चिक टिंट है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हूँ, मैं बताती हूँ आपको। आपने अगर ये चिक टिंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा टिंट है एंड बहुत ज़्यादा और एकदम इजी तरीके से बन जाता है। तो हमने ये ना इतना सा लिया चिक टिंट, हमने लगा लिया चिन पे थोड़ा सा इधर, अभी मैं ब्लेंड करूँगी तो आप देखना खाली रिजल्ट कितना। एकदम नेचुरल इफेक्ट आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा टिंट बनाता है ये। सो गाइस अब हम करेंगे ब्लशर, एकदम लाइट करेंगे और उसको हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे। तो मैंने ये वाला शेड ली हूँ मैच्योर, ये ना पैलेट है आई मैजिक की और मैंने परचेज करी हूँ बिस्मिल्ला कॉस्मेटिक से।
मैंने सिर्फ एक बार स्वॉश करी थी और उसको ही अच्छे से ब्लेंड की थी। बहुत अच्छा ब्लशर है क्योंकि ओजी है, ओजी की बात ही अलग रहती है। ये हो गया हमारा ब्लशर डन। अब हम थोड़ा सा आई शेड करेंगे एंड लिपस्टिक करेंगे, बस डन। अब हम आई शेड लेंगे ये वाला एकदम सिंपल शेड और सिर्फ एक शेड ही मैं अपने आईज पे लगाऊंगी। लेंस में कुछ गया है शायद से, लेंस में से बहुत मेरे आईज पे पानी आ रहा है। ये मास्क का मस्कारा तो भूल गई थी मैं, सॉरी। कैसा है ना मेकअप लड़की लोग करते हैं ना, बोलते अरे हो जाएगा मेरा मेकअप 2 मिनट में, बट वो 2 मिनट में मेकअप नहीं होता, मैगी बन जाती है बट मेकअप नहीं होता 2 मिनट में गाइस। और कैसा है ना, अभी ऐसा लगता है कि हमें मेकअप करने बैठे तो कर ही लेते हैं सब, तो हम तो और ज़्यादा कुछ नहीं। आई शेड हो गया, मस्कारा हो गया, बस अभी लिपस्टिक एंड हाइलाइटर। देखो अभी याद आया मुझे आईब्रो पेंसिल भी करना है मेरे को, धीरे धीरे सब याद आता है, कोई बात नहीं फटफट कर लेंगे हम। लिए है ये रेवोल्यूशन की हाइलाइटर पैलेट ली है हमने, तो ये इसमें बहुत सारे शेड है और सबसे फेवरेट मेरा सबसे फेवरेट शेड ये है, ये देखना आप खाली एकदम अलग ही लुक आता है ये शेड से, एकदम हाइलाइटर एकदम चेंजेस लगता है। कॉस्टली है थोड़ा बट पैसे वसूल है, बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है और बहुत टाइम से मुझे लेना था। आखिर में कुछ मैंने अभी बीच में ही जाके हाइलाइटर ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम क्योंकि शादी में नहीं जा रहे, बस मेला जा रहे एंड दरगाह जा रहे। देखो ये नहीं मिल रहा है क्या रही है आईब्रो पेंसिल, तो अभी हम आई शेड से ही बना लेंगे, क्या करेंगे बिना। लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और वीडियो का एंड भी मैं आपको ना माही में ही बताऊँगी क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है एंड बताने के लिए, सिर्फ मेकअप डन करूँगी एंड मेरा ड्रेस जो भी है वो भी चेंज करना है, जोहान को भी रेडी करना है। आप ना मेरे को नज़दीक से भी देख सकते हो, देखो नज़दीक से भी मेरा मेकअप कहीं से नहीं ड्राई लग रहा है और कहीं से ना लाइंस वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि मेरा ना जो स्किन केयर है वो बराबर हुआ है एंड मेरी स्किन अच्छी है माशाल्लाह से। तो कैसा मेकअप कोई भी कर लेता है, आई नो मुझे भी पता है मेकअप कोई भी कर लेता है, बट स्किन अच्छी रहेगी ना तो मेकअप ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप कोशिश ज़्यादा किया करें कि स्किन केयर अच्छा करें, मॉइस्चराइज़र नाइट क्रीम जेल वगैरह जो भी क्लीन आपकी स्किन को अच्छा रखें। तो चलो अभी मैं बाद में आपको बताती हूँ मैंने चेंज मतलब ड्रेस क्या पहनी और फुल लुक कैसा है मेरा। तो अब हमारा मेकअप हो चुका है डन, मेकअप तो हो चुका था बट हमने ड्रेस भी चेंज कर लिए, थोड़ा सा भरा हुआ लग रहा है बट कोई बात नहीं, ऐसे ही रखा हुआ था, रखे ना कपड़े फिर ख़राब हो जाते, तो हमने सोचा कि पहन लेते हैं। तो मेकअप भी हो चुका है डन, अभी मैं फुल मेरा ड्रेस बताऊँगी आपको। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, फुल ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।